आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी और भारत का नक्शा किसने बनाया। चलिए, पहले पृथ्वी है फिर भारत है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि पृथ्वी का जो नक्शा है उसने बताया, मानचित्र कह लीजिए। तो सर्वप्रथम किसने पृथ्वी का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया था? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास द्वारा बनाया गया था। महाभारत में पृथ्वी का पूरा मानचित्र हजारों वर्ष पूर्व ही दे दिया गया था। महाभारत में कहा गया है कि पृथ्वी चंद्रमंडल में दिखने पर दो अंशों में खरगोश तथा अन्य दो अंशों में पीपल के पत्ते के रूप में दिखाई देता है। एक खरगोश और दो पत्तों का चित्र। अब ये जो मानचित्र है वो 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य द्वारा महाभारत के श्लोक को पढ़ने के बाद बनाया गया था। वो श्लोक क्या था? सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्रुपम तू कुरु नंदनम परिमंडलो महाराज दीपों सो चक्र संसिता यथा ही पुरुष पश्य दादर्शे मुख मात्मना एवं सुदर्शन दीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंशे पीपल सतत्र द्विरंशे च शशो महान। ये वेदव्यास का भीष्म पर्व में लिखा गया है महाभारत में। अर्थात हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंशों में पीपल और दो अंशों में महान शश दिखाई देता। शश मतलब खरगोश होता है, उसे शशा भी बोलते हैं। अब आते हैं हम भारत के नक्शे के ऊपर कि हु क्रिएटेड इंडियाज मैप। अब उसमें भी किसी ने सबसे पहले बनाया होगा। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, इसलिए भी स्वाभाविक है कि इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स भी काफी विशाल होगा। भारत के मानचित्र या नक्शे को आप इसके विशाल भाग को देख सकते हैं। तो चाहे वो मैप छोटा हो या बड़ा हो, एक छोटा सा मैप फिर चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, आपको उस देश से पूरी तरह से कई जानकारियां वो आपको दे देती है। अब भारत का नक्शा किसने बनाया है? मैं आपको 6-7 नाम बताने जा रहा हूं। इरेटोस्थनीस, अनिक्समेंडर, बेबिलोनियन इमागो मुंडी, हिकाटियस, टॉलमी, जॉर्ज एवरेस्ट और चौधरी रहमत अली। देखिए, मानचित्र में दो शब्द आता है, मान और दूसरा चित्र, जिसका मतलब होता है माप या मूल्य को चित्र द्वारा दर्शाना। ये उसका ये है। इसमें जॉर्ज एवरेस्ट का भी नाम आता है और विलियम लैम्बर्टन का भी नाम आता है। तो चलिए हम आपको शुरुआत करते हैं सारी चीज़ों को बताना। सबसे पहले बहुतों का ये मानना है कि इंडिया का फर्स्ट मैप विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश काल से बना था। भारत के नक्शे को बनाने बहुत से लोगों का नाम आता है जिन्होंने अलग अलग कालखंड में भी इसे बनाया था। जैसे इरेटोस्थनीस, उन्होंने लगभग 276 साल पहले विश्व का मैप बनाया था जिसमें भारत को बेहतर तरीके से दर्शाया गया था और साथ ही पृथ्वी की प्रकृति को गोल भी दिखाया गया था। उसके बाद अनिक्समेंडर, उन्होंने लगभग 546 साल पहले वर्ल्ड का सबसे पहला मैप बनाया था जिसमें पूरे विश्व को दर्शाया गया था और साथ ही इस मैप में जमीन और समुद्री क्षेत्र का भी दोनों चीज़ें बताई गई थी। फिर बेबिलोनियन इमागो मुंडी, इन्होंने करीब 600 साल पहले विश्व का मानचित्र बनाया था जिसमें उन्होंने शहर के साथ साथ 7 द्वीपों को दर्शाया था। फिर हिकाटियस, इनके द्वारा बनाया गया नक्शा लगभग
550 साल पहले का था, जिसमें भारत शब्द का उल्लेख किया गया था। फिर टॉलमी, ये एक फेमस ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने अपने भूगोल की पुस्तक में भारत का बहुत ही अच्छा नक्शा तैयार किया था। फिर जॉर्ज एवरेस्ट, वो 1 मई सन 1870 में जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का मानचित्र पब्लिश किया था। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही माउंट एवरेस्ट का भी नाम रखा गया था। फिर चौधरी रहमत अली थे। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, तब चौधरी रहमत अली ने भारत का नक्शा बनाया था और वही नक्शा आज तक हम सबके सामने मौजूद है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज वहां के लोगों से कर वसूलना चाहते थे, लेकिन उस समय मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण अंग्रेज बंगाल की सीमा क्षेत्र को सही तरीके से जानते नहीं थे। आतों ने भारत के मानचित्र को तैयार करने का निर्णय लिया और उस कार्य के लिए ब्रिटिश सेना में कार्यरत ज्यामिति विशेषज्ञ जैक विलियम लेमिंटन को नियुक्त किया। अब विलियम लेमिंटन ने भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए सरल त्रिकोण विधि का इस्तेमाल किया। लगातार 18 साल तक कार्य करने के बावजूद लेमिंटन भारत के नक्शे के एक तिहाई हिस्से को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट पूरे भारत का मानचित्र बनाकर उत्तर में हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे। अब चूंकि हिमालय का विस्तार नेपाल और तिब्बत में भी है, लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अंग्रेज भारत की तरह उनके देश को भी अपना गुलाम बना लेंगे। अतः जॉर्ज एवरेस्ट ने त्रिकोणमिति के सरल तकनीकों का उपयोग करके एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा की गई माप लगभग 99.75% करेक्ट था। यही कारण है कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया था। तो हम कह सकते हैं कि विलियम लेमिंटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला स्टिक मानचित्र बनाया जो परफेक्ट था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।